हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषिकेश पानकर, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे वी विल स्टार्ट द यूनिट नंबर 3, दैट इज टेलीविजन फंडामेंटल्स एंड ट्रांसमीटर, एंड द लेक्चर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू टेलीविजन। तो आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 है टेलीविजन फंडामेंटल्स और ट्रांसमीटर, और आज के लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेलीविजन। सो बिफोर स्टार्ट और टुडेज लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लर्निंग आउटकम्स। सो फर्स्ट इज यू विल एबल टू लर्न अबाउट द टेलीविजन, देन यू विल एबल टू नो द डिफरेंट टीवी स्टैंडर्ड्स, एंड यू विल एबल टू लर्न द एलिमेंट्स ऑफ अ टेलीविजन सिस्टम। सो दीज आर द 3 लर्निंग आउटकम्स ऑफ अवर टुडेज टॉपिक्स। सो द इंट्रोडक्शन। द वर्ड टेलीविजन हैज इट्स ओरिजिन इन 2 ग्रीक वर्ड्स, टेली एंड विजन। तो टेलीविजन ये जो वर्ड है ये ग्रीक लेटर से आया है, 2 वर्ड से, एक पहला है टेली और दूसरा है विजन। सो टेली मीन्स एट अ डिस्टेंस एंड विजन मीन्स सीन। तो टेलीविजन का मतलब क्या हो गया, एट अ डिस्टेंस सीन। टेली मतलब एट डिस्टेंस एंड विजन मीन्स सीन। द टेलीविजन टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस और टीवी इज द ट्रांसमिशन ऑफ पिक्चर इंफॉर्मेशन ओवर एन इलेक्ट्रिक चैनल। तो टेलीविजन का मतलब क्या है, टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस और टेलीविजन दैट इज टीवी इज द ट्रांसमिशन ऑफ पिक्चर इंफॉर्मेशन ओवर एन इलेक्ट्रिक चैनल। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ पिक्चर इंफॉर्मेशन है ओवर द इलेक्ट्रिक चैनल। देन रियल ब्रेक थ्रू दैट इज इन्वेंशन ऑफ सीआरटी, देन फर्स्ट कैमरा ट्यूब इज आइकोनोस्कोप, एंड इन 1935 टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड, एंड इन 1959 इन इंडिया द टीवी स्टार्ट्स। नाउ द ग्लोबल टीवी स्टैंडर्ड्स दैट इज एनटीएससी। सो एनटीएससी टीवी, द नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमिटी, एनटीएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमिटी। तो ये पहला ग्लोबल टीवी स्टैंडर्ड है एनटीएससी, दैट इज एनटीएससी टीवी। देन इट इज यूज्ड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड जापान। अब ये कहाँ यूज होता है, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका और जापान में। देन 525 लाइंस ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन, इट रन्स एट 60 हर्ट्ज ऑफ वर्टिकल फ्रीक्वेंसी दैट इज 60 साइकल्स पर सेकंड एट 110 होल्ड्स ऑफ एसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज, दैट इज वर्टिकल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 60 साइकल्स पर सेकंड, और वोल्टेज कितना है एसी, दैट इज 110 वोल्ट। Then the global TV standards, that is SECAM, SECAM, that is sequential color AVEC memory or sequential A memory. So it is used in France, Iran and Iraq, to name a few. 625 lines of horizontal resolution, then it runs at 50 hertz of vertical frequency, that is 50 cycles per second at 220 volts of AC. Then it adopted in 1967. Then next is global TV standards, that is PAL, that is PAL TV. So PAL stands for phase alternative line, phase alternative line, that is PAL TV. So it is a German invented system. ये जो PAL TV है ये invented किसने किया, Germany ने। Then it is used in most of Europe, Africa, Australia, South America and India. काफ़ी यूज होता है ये यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में और हमारे इंडिया में। Then the 625 lines of horizontal resolution. Horizontal resolution कितना है, 625 lines. Then it runs at 50 hertz of vertical frequency, that is 50 cycles per second at 230 volts of AC. तो हमारे यहाँ पे जो टीवी है वो मतलब उसका रेंज क्या है, 50 हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, दैट इज 50 साइकल्स पर सेकंड, और होल्ड कितना है एसी, 230 होल्ड एसी। देन द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड्स। सो ऑस्ट्रेलिया ये 230 होल्ड 50 हर्ट्ज, इट आल्सो इन इंडिया, इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में 230 होल्ड 50 हर्ट्ज। देन कैनेडा में 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज,
फ्रांस में 230 Hz 50 Hz, हांगकांग में 220 Hz 50 Hz, देन जापान में 100 Hz 50 Hz दैट इज ईस्टर्न जापान, देन जापान दैट इज वेस्टर्न जापान में 100 Hz 60 Hz, मैक्सिको में 127 Hz 60 Hz, सिंगापुर में 230 Hz 50 Hz। देन नेक्स्ट इज टेलीविजन सिस्टम्स। तो टेलीविजन सिस्टम देखेंगे, थ्री मोनोक्रोम सिस्टम्स डेवलप्ड, दैट इज 525 लाइन अमेरिकन, देन 625 लाइन यूरोपियन एंड थर्ड इज 819 लाइन फ्रेंच। तो जो मोनोक्रोम सिस्टम्स है जो डेवलप हुई है वो कितनी है, तीन। पहली कौन सी है, 525 लाइन अमेरिकन, दूसरा है 625 लाइन यूरोपियन और थर्ड है 819 लाइन फ्रेंच। देन यूके 415 लाइन बट चेंज टू 625 लाइन सिस्टम। इन इंडिया 625B मोनोक्रोम सिस्टम। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ अ टेलीविजन सिस्टम। तो टेलीविजन सिस्टम के एलिमेंट्स देखेंगे, सो द फंडामेंटल एम इज टू एक्सटेंड द सेंस ऑफ साइट बियॉन्ड इट्स नेचुरल लिमिट अलोंग द साउंड एसोसिएटेड विद द सीन। सो इन 625 लाइन मोनोक्रोम सिस्टम, देन पिक्चर सिग्नल इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, देन द साउंड सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, द करियर फ्रीक्वेंसीज आर सुटेबली स्पेस्ड एंड मॉड्यूलेटेड आउटपुट्स दैट इज रेडिएटेड थ्रू अ कॉमन एंटीना। नाउ द पिक्चर ट्रांसमिशन, द पिक्चर इंफॉर्मेशन दैट इज ऑप्टिकल इन कैरेक्टर। सो इट इज असेंबली ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ राइट एंड डार्क एरियाज सच ईच रिप्रेजेंटिंग अ पिक्चर एलिमेंट दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिक्सेस एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली। देन द इंफॉर्मेशन इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दैट इज टाइम एंड स्पेस। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ चैनल्स साइमल्टेनियसली वी यूज स्कैनिंग। देन स्कैनिंग इज ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड ट्रांसमिटेड एलिमेंट बाय एलिमेंट वन एट अ टाइम इन अ सिक्वेंशियल मैनर टू कवर द एंटायर सीन टू बी टेलीवाइज्ड। तो स्कैनिंग का मतलब क्या है, द ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। स्कैनिंग मतलब क्या है, जो ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और ट्रांसमिट करना एलिमेंट बाय एलिमेंट एंड वन एट अ टाइम इन सिक्वेंशियल मैनर में टू कवर द एंटायर सीन टू बी टेलीवाइज। देन डन एट वेरी फास्ट रेट इट रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ साइमल्टेनियस पिकअप। देन टीवी कैमरा। सो टीवी कैमरा इज हार्ट ऑफ अ टीवी कैमरा इज अ कैमरा ट्यूब। तो टीवी कैमरा जो है उसका हार्ट क्या है, कैमरा ट्यूब। कैमरा ट्यूब इट कन्वर्ट्स द ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन इन टू करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो कैमरा ट्यूब का फंक्शन क्या है, कन्वर्ट द ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन इन टू करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देन एम्पलीट्यूड प्रपोर्शनल टू द ब्राइटनेस, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ब्राइटनेस से प्रपोर्शनल रहेगा। देन ऑप्टिकल इमेज इज फोकस्ड बाय अ लेंस असेंबली टू अ रेक्टेंगुलर ग्लास फेस प्लेट एंड द ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव कोटिंग एट द इनर साइड ऑफ द ग्लास फेस प्लेट। सो दिस इज कैमरा ऑन विच इज लेड अ थिन लेयर ऑफ फोटो कंडक्टिव मटेरियल हैविंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस व्हेन नो लाइट फॉल्स ऑन इट एंड द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन द इंटेंसिटी इंक्रीजेस दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन बीम। सो इट इज यूज टू पिक अप द पिक्चर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द टारगेट प्लेट इन टर्म्स ऑफ वेरिंग रेजिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका फंक्शन क्या है, टू पिक अप द पिक्चर इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है, ऑन द टारगेट प्लेट इन टर्म्स ऑफ वेरिंग द रेजिस्टेंस। देन द बीम इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन गन, इट इज डिफ्लेक्टेड बाय अ पेयर ऑफ डिफ्लेक्शन कॉइल्स केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन द ग्लास प्लेट to achieve the scanning of the entire target area.
सो दिस इज द बेसिक मोनोक्रोम टेलीविजन ट्रांसमीटर। तो ये बेसिक मोनोक्रोम टेलीविजन जो है उसका ट्रांसमीटर है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम, दिस इज क्रिस्टल ऑसिलेटर, देन आरएफ एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, देन स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग सर्किट्स ब्लॉक, दिस इज द लाइट, दिस इज मोनो माइक्रोफोन, ऑडियो एम्पलीफायर, एफ एम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर, देन एफ एम साउंड ट्रांसमीटर, इट गोज टू कंबाइनिंग नेटवर्क एंड द फाइनल ट्रांसमीटर एंटीना, अगेन टेलीविजन कैमरा, वीडियो एम्पलीफायर, ए एम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर ऑफ मोनोक्रोम टेलीविजन। एंड दिस इज द बेसिक मोनोक्रोम टेलीविजन रिसीवर। सो दिस इज रिसीविंग रिसीवर एंटीना, दिस इज लाउड स्पीकर, दिस इज द पिक्चर ट्यूब लाइट। तो पहला क्या है यहाँ पे, साउंड आई एफ एम्पलीफायर, देन एफ एम साउंड डी मॉड्यूलेटर, देन ऑडियो एम्पलीफायर। तो रिसीवर एंटीना, इट गोज टू आर एफ ट्यूनर, देन कॉमन आई एफ एम्पलीफायर से वीडियो डिटेक्टर है, सो फ्रॉम वीडियो डिटेक्टर वीडियो एम्पलीफायर एंड स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग द सर्किट। सो दिस इज द रिसीवर। देन साउंड ट्रांसमिशन, सो द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड एसोसिएटेड विद द पिक्चर इन टू प्रपोर्शनल वोल्टेज। अ सिंगल वैल्यूड इन फंक्शन ऑफ टाइम, सो नीड्स अ सिंगल चैनल। द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड यूजिंग असाइंड करियर फ्रीक्वेंसी कंबाइंड विद द एएम पिक्चर ट्रांसमीटर आउटपुट फेड टू द कॉमन एंटीना रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ द पीओ मैपिंग, दैट इज प्रोग्राम आउटकम्स। सो पीओ 1, पीओ 3, पीओ 6 और पीओ 7, ये चार पीओ आज के टॉपिक्स को मैप करते हैं। सो थैंक यू।